चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर कैबिनेट ने लगाई मोहर, 1 जुलाई से शर्तों के साथ शुरू होगी चारधाम यात्रा। अल्मोड़ा को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए तैयारियां तेज, हेलीपैड बनाने का काम पूरा। वाहन चेकिंग कर रहे सिपाही को नशे में धुत युवकों ने जमकर पीटा, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे, राहुल गांधी ने कसा तंज, बोले सीधी सीधी बात है, हम सत्याग्रही अन्नदाता के साथ। 12 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 51 केस आए सामने, केंद्र ने 8 राज्यों को दिए खास निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ शिवम यादव। शुरुआत करते हैं बात चारधाम यात्रा से। चारधाम यात्रा को लेकर 1 जुलाई से शुरू करने को लेकर एक फैसला हुआ है और फैसले पर कल देर शाम हुई मंत्रिमंडल की बैठक ने मोहर लगा दी है। पहले चरण में सिर्फ 19 जिलों के लोगों को दर्शन करने की अनुमति दी जाएगी जिन जिलों में धाम स्थित हैं। चारधाम यात्रा को लेकर 3 सीनियर IAS अधिकारियों को तैनात किया गया है जो संबंधित जिला प्रशासन और देवस्थानम बोर्ड के साथ समन्वय बनाकर यात्रा को संचालित करने में सहयोग करेंगे। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक देवस्थानम बोर्ड को चारधाम यात्रा को 1 जुलाई से शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। अभी चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के लोग ही धामों में दर्शन कर सकेंगे। यात्रा के लिए अलग से SOP जारी की जाएगी। नियुक्त किए गए सीनियर IAS अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे यात्रा की SOP को ठीक से लागू कराएं। चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों को वैक्सीन भी लगाई जाएगी। कैबिनेट की अनुमति के मुताबिक चमोली जिले के लोगों को सीमित संख्या में, बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग जिले के लोगों को केदारनाथ और उत्तरकाशी जिले के लोगों को गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन कराए जाएंगे, लेकिन उन्हें RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। और इसी वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, चारधाम यात्रा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है और क्या कुछ अपडेट है अब तक? जी, हम चारधाम यात्रा के जो देर शाम जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, इससे पहले जो अप्रैल में जो कपाट खुल जाते हैं चार धामों के, तो 3 महीने जो कोविड काल के चलते ये जो यात्रा बंद रखी गई और जो कल देर जो शाम कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें कैबिनेट ने जो है कि अब फिलहाल जो जिन जिलों में जो धाम स्थापित है उन जिलों के लोगों के लिए दर्शन करने के जो फैसले किए हैं, आदेश दिए हैं और स्वीकृति दी है, और उसमें शर्त ये रखी गई है कि RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट का जो है रिपोर्ट स्थानीय लोगों को दिखाना पड़ेगा और उस रिपोर्ट के अनुसार ही उनको दर्शन धाम के करने दिए जाएंगे। और इसी के साथ जो कैबिनेट ने इस बार एक महत्वपूर्ण जो फैसला लिया है कि 3 जो वरिष्ठ IAS अधिकारी होंगे वो ये जो चार धाम यात्रा है इसको संचालन करने में प्रशासन के यात्रियों की सुविधाओं के लिए काम करेंगे और उसमें लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। जी शिवम, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। नमस्कार, प्राइम टीवी के लिए मैं आज यहाँ पे उपस्थित हूँ और हम इसलिए उपस्थित है कि हम कल जो कैबिनेट की कल देर शाम बैठक हुई थी, उस बैठक में जो चार धाम यात्रा से संबंधित जो फैसले लिए गए वो बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और वहाँ पे जो कैबिनेट ने जो फैसला लिया अन्य फैसलों के साथ, जो चार धाम महत्वपूर्ण जो कोविड के मद्देनजर जो अभी तक जो चार धाम यात्रा थी वो बंद रखी गई थी, लेकिन जो अभी जो चार धाम यात्रा के लिए कल कैबिनेट ने फैसला लिया तो उसमें ये फैसला है कि जैसे जिला चमोली में बद्रीनाथ धाम है तो यहाँ पे जो स्थानीय जो जिले के लोग हैं उनके लिए जो चमोली में बद्रीनाथ जी के दर्शन करने की अनुमति दी गई है और उसी प्रकार से रुद्रप्रयाग में केदारनाथ जी के जो दर्शन करने की अनुमति दी है वहाँ की स्थानीय जिले के निवासियों को दी गई है, उसी प्रकार से उत्तरकाशी में यमुनोत्री और गंगोत्री जी के धाम के दर्शन करने की अनुमति वहाँ के जिलों के लोगों को दी गई है, किंतु उसमें जो SOP जारी की गई है उस SOP में है कि स्थानीय लोग भी अगर जो मंदिर धामों के दर्शन करने आएंगे उनके लिए RT-PCR और एंटीजन जो रैपिड टेस्ट है उसकी रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। और इसमें जो चार धाम यात्रा की शुरुआत हुई, यहाँ पर स्थानीय जो व्यवसायी हैं, यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं वो बहुत खुश हैं और हमारे बीच जो यहाँ पे जो हमारे बीच जो सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर हरपाल सिंह नेगी जी हैं, हम उन्हीं से जानना चाहते हैं कि जो कैबिनेट का जो कल फैसला हुआ उस फैसले से आप लोग कितना खुश हैं और जो यहाँ के स्थानीय जो व्यवसायी हैं और यहाँ के जो लोग हैं जो पुजारी हैं वो कितना खुश होंगे, आप क्या कहना चाहेंगे कैबिनेट के फैसले पर? ये बहुत बहुत बधाई हम सरकार को देना चाहेंगे,
कि सरकार ने ये फैसला लिया है और स्थानीय जो लोग हैं उनको एक मौका दिया है कि बद्रीनाथ जी के दर्शन हो सके, केदारनाथ जी की और गंगोत्री जमुनोत्री की। थोड़ा सा हमारा ये रिक्वेस्ट था क्योंकि एंटीजन और आरटीपीसीआर जो टेस्ट है वो स्थानीय लोग करने के बाद वो श्रीनगर या हरिद्वार जाता है, उसमें थोड़ा सा छूट देने की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि कई लोग उसको नहीं कर पाएंगे और ग्रामीण लोग जो जाना चाहेंगे यात्रा पे वो शायद उसको नहीं कर पाएंगे, तो इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं, क्षेत्रीय जनता और सब लोगों को बहुत बहुत सरकार को इस बारे में बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपके लिए नेवी जी, ने आपकी बात रखी। हमारे बीच जो है भाजपा के वरिष्ठ यहाँ पे जो नेता हैं और वो वर्तमान में जनपद चमोली के महामंत्री जी हैं दलीप सिंह नेगी जी, आपकी सरकार ने जो कल फैसला लिया है उस फैसले पे आप कितना खुश हैं? और जो उन्होंने ये भी उस SOP में जो कैबिनेट का फैसला उसमें ये भी है कि जो 11 जुलाई से उसमें निर्णय लिया जाएगा जो 10 दिनों की जो चार धाम यात्रा की स्थानीय यात्रा होगी उसमें ये भी निर्णय लिया जाएगा कि 11 जुलाई के बाद जो है कि पूरे देश प्रदेशवासियों को जो चार धाम यात्रा की अनुमति दी जाएगी। तो आप अपने सरकार के फैसलों से लेकर के और जो क्या कहना चाहेंगे? सरकार का जो है सराहनीय कदम है और इससे जो है हमें बहुत खुशी है और जनता में भी बहुत उसमें खुशी का माहौल है। निश्चित रूप से जो है स्थानीय लोगों को, चमोली वालों को बद्रीनाथ की यात्रा के लिए, रुद्रप्रयाग वालों को जो है केदारनाथ की यात्रा के लिए और उत्तरकाशी के लोगों को लिए गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। लोगों में बहुत खुशी का माहौल है और सरकार का कदम जो है सराहनीय है और सरकार फिर देगी, फैसला करेगी फिर इसके जो है परिणाम क्या निकलते हैं उसके बाद 11 तारीख से आम जनता के लिए हो सकता है कि इसके जो है द्वार खुल जाएं। और मेरा सभी से निवेदन है कि जो सरकार की गाइडलाइन है, पूर्व के जो नियम है उनको फॉलो करें और सरकार के बताए नियमों का पालन करें। जब हम सरकार का साथ देंगे तो सरकार भी तभी जो है उचित कदम जनहित में उठाएगी। इसलिए मेरा आम जनता से निवेदन है कि वो सरकार के बताए हुए जो नियम हैं उनका पालन करें ताकि जो है सरकार जो है उचित निर्णय जनहित में ले सके। धन्यवाद। ये दोनों लोगों की वार्ता आपने सुनी तो हम भी चाहेंगे कि जो कैबिनेट ने कल चार धाम के लिए स्थानीय जिले के निवासियों के लिए चार धाम यात्रा के दर्शन के लिए अनुमति दी है तो हम भी चाहेंगे कि लोग जो सरकार के जो गाइडलाइन है, दिशा निर्देश हैं उनका पालन करते हुए चार धाम यात्रा को संचालित करेंगे। वहाँ पर जो तीर्थ पुरोहितों को जो वैक्सीन लगाने की जो उन्होंने बात कही है कि वहाँ पर चार धाम में जो मंदिर भी है वो जिला प्रशासन के साथ वहाँ पर पूरी व्यवस्था की जाएगी। और कैबिनेट ने एक फैसला लिया कि 3 जो वरिष्ठ IAS जो अधिकारी होंगे वो इस मेले को संचालित करेंगे और जिला प्रशासन और देवस्थानम बोर्ड के साथ समन्वय बनाते हुए ये चार धाम यात्रा को संचालित करेंगे। तो वर्तमान में चमोली से सुरेंद्र नाथ की रिपोर्ट। वहीं चार धाम यात्रा को देखते हुए चमोली जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बद्रीनाथ धाम का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान संबंधित विभागों को यात्रा शुरू होने से पहले सभी कार्य पूरे कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी स्वाति S. भदौरिया और SP ने बद्रीनाथ धाम का निरीक्षण करने के साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों का जायजा भी लिया। DM ने स्वास्थ्य केंद्रों पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए और कहा कि यात्रा शुरू होने से पहले जो भी समस्याएं हैं उन्हें जल्द दूर किया जाए। जिलाधिकारी ने लामबगढ़ में हुए लैंडस्लाइड इलाके का भी निरीक्षण किया। क्षेत्र में पानी, बिजली और स्वास्थ्य की सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के आदेश दिए। केंद्र और राज्य सरकार के उड्डयन विभाग द्वारा अब पर्वतीय क्षेत्रों को हवाई सेवा से जोड़ने की पहल की जा रही है। इसी क्रम में अब अल्मोड़ा जिले के लोगों को एक और उपलब्धि मिलने जा रही है। जिले में जल्द ही हवाई सेवा शुरू होने वाली है जिसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि अल्मोड़ा के टाटिक में हेलीपैड तैयार हो गया है जो हवाई सेवा के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसकी सूचना उड्डयन विभाग को दे दी गई है और बहुत जल्दी यहां के लोगों के लिए हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। तो हेलीपैड का काम अब पूरा हो चुका है और ये अब अल्मोड़ा के लोगों के लिए वाकई में बहुत बड़ी सौगात है जब यात्रा अब वो हवाई मार्ग के जरिए भी कर सकेंगे। तो हवाई सेवा से जोड़ने की जो पहल है वो अब शुरू हो चुकी है और हेलीपैड का काम भी पूरा हो चुका है। तो ज़िले के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है और जल्द ही ज़िले के लोगों को हवाई सेवाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। वहीं कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में किसानों के आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर भाकपा माले ने बिंदु खत्ता क्षेत्र में जुलूस निकाला। इस दौरान गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। लोगों ने मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हुए
कहा कि किसानों के आंदोलन करने के बावजूद भी सरकार किसानों की मांग सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसे अडानी और अंबानी जैसे कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाना है। वहां पर मौजूद वरिष्ठ नेता बहादुर सिंह जग्गी ने कहा कि सरकार तानाशाही का रवैया अपना रही है और लोकतांत्रिक तरीके से किसानों के प्रदर्शन को दमनकारी नीतियों के तहत कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार किसानों की सुनने को तैयार नहीं है। किसानों के आंदोलन को 7 महीने पूरे हो चुके हैं। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा और भाकपा माले सरकार की नीतियों का कड़ा विरोध करती है। उन्होंने कहा कि सरकार बड़े औद्योगिक घरानों को लाभ पहुंचाने और किसानों को उनका गुलाम बनाने पर तुली हुई है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 7 महीने के दौरान कई किसान अपनी शहादत दे चुके हैं, फिर भी सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के समर्थन में उनका आंदोलन किसानों की मांगें पूरी होने तक क्षेत्रीय स्तर पर लगातार जारी रहेगा। तीनों कृषि कानून, काले कृषि कानून, किसानों की, आम देश की, गरीबों की, आम जनता की बर्बादी के, ये तीनों कृषि कानून मोदी सरकार वापस नहीं लेती, तब तक जो है ये किसान आंदोलन जारी रहेगा। 7 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर लाखों किसान बैठे हैं, पूरे देश में करोड़ों किसान आंदोलित हैं इन तीनों कृषि कानून को वापस लिए जाने के लिए। लेकिन मोदी सरकार अपनी हर धर्मी पर अड़ी है और किसानों से जो है वार्ता नहीं कर रही, और अडानी अंबानी और तमाम कर। वही हरिद्वार से देहरादून कूच करने जा रहे भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों को पुलिस ने हरिद्वार में ही रोक दिया। दिल्ली में किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर किसानों ने देहरादून में गवर्नर हाउस का घेराव किया, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। नाराज किसानों ने बीच हाईवे पर ही धरना शुरू कर दिया। बाद में प्रशासन के अनुरोध पर किसानों ने धरना समाप्त किया और अपनी मांगों को लेकर ADM BK मिश्रा को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि कानून बनाए हैं उन्हें तत्काल वापस लिया जाए। जितने भी टोल प्लाजा हैं वहां किसानों से कोई टोल टैक्स ना लिया जाए। किसानों ने चेतावनी भी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक किसान आंदोलन करते रहेंगे। इसके साथ ही बहादराबाद टोल प्लाजा पर किसानों का धरना जारी रहेगा। जो आज 7 महीने आंदोलन को पूरे हो गए, जो दिल्ली में 3 कृषि कानून को लेकर आंदोलन चला गया, आज हमारा 7 महीने पूरे होने पर माननीय गवर्नर हाउस का घिराव कर देहरादून ज्ञापन देने का कार्यक्रम था, लेकिन अभी ये कार्यक्रम यहाँ पुलिस ने हमें रोक लिया, देहरादून नहीं जाने दे रहे, इसीलिए हम यहाँ भी रोड पर रोक रखे हैं, यहीं हम बैठे हुए। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इंतजार रजा। इंतजार, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी है? किसानों ने राज्यपाल को ज्ञापन तो सौंप दिया है, लेकिन और उनकी क्या मांगे हैं 3 कृषि कानूनों के अलावा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो ये प्रदर्शन था आज, ये किसानों का प्रदर्शन था और ये लोग हरिद्वार से देहरादून राज्यपाल भवन को जो घेराव करने के लिए जा रहे थे वहां पे, तो जिसे पुलिस ने जो बादराबाद स्थित जो हरिद्वार में पुलिस द्वारा ने रोक दिया गया। और जो ये जो कार्य प्रणाली थी, जिस तरह 4 बजे देहरादून में पहुंचेंगे और राज्यपाल भवन का घेराव करेंगे, और तो जो भी इनकी कार्यशैली थी उसको यहाँ पे रोका गया, तो इन्हें समझाया बुझाया गया, तो लेकिन जब पुलिस प्रशासन द्वारा इन्हें रोका गया तो जो किसान थे नाराज हो गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी करने शुरू कर दी, और किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच यहाँ काफी नोकझोंक हुई है, और किसान जो है वो बहादराबाद में बीच रोड पे जो धरने पर बैठ गए, लेकिन जो जिले के अफसरान थे, आला अधिकारी थे, वो मौके पर पहुंचे, और ADM हरिद्वार BK मिश्रा भी मौके पर पहुंचे, और जहां किसानों को समझाया गया और किसानों ने भी जो ADM साहब की बात को मानते हुए और राज्यपाल के नाम यहां ADM साहब को ज्ञापन सौंपा। लेकिन वहीं 7 महीने से जो किसान लगातार पूरे देश में जगह जगह धरने दे रहे हैं, दिल्ली में जो धरना चल रहा है उसी का समर्थन करते हुए किसानों ने कहा है कि जो बहादराबाद से जो टोल प्लाजा है यहाँ पर किसानों को जो है किसी भी तरह का टोल टैक्स नहीं देना होगा, यहाँ टोल इनका बिल्कुल माफ करना चाहिए, किसानों को टोल फ्री कर देना चाहिए, लेकिन जब तक दिल्ली का जो धरना है किसानों का जब तक वो चलता रहेगा तब तक हम भी यहाँ बहादराबाद से जो टोल प्लाजा में जो धरना दे रखा है किसानों ने उस धरने को निरंतर रूप से चलाते रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया इंतजार हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। वही अब बात लालकुआं की। लालकुआं में विकास की रफ्तार कितनी तेज है, इसका ताजा उदाहरण बंगाली कॉलोनी में बन रहा सामुदायिक भवन है। पिछले 4 साल से इस भवन का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। स्थानीय विधायक 2 बार शिलान्यास कर चुके हैं। हालात ये हैं कि भवन का कुछ हिस्सा काफी पहले बन चुका था, लेकिन उसके बाद से इसका निर्माण पूरा कराने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा।
कांग्रेस नगर अध्यक्ष सूरज राय ने बताया कि बीते 4 साल हो गए हैं भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार को। भाजपा ने चुनाव के समय जनता से बड़े बड़े वादे और दावे किए थे कि प्रदेश में विकास की गंगा बहा देंगे, लेकिन ठीक इसका उल्टा हो रहा है। बीते 4.5 साल से सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो सका है। 4 साल बीत चुके हैं, 4.5 साल का समय बीत चुका है ये भाजपा की डबल इंजन की सरकार बने हुए। ये हर जगह बड़े बड़े वादे करते हैं, बहुत बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी जैसे हमारे क्षेत्र का सामुदायिक भवन है, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो आप कह सकते हैं बीरबल की खिचड़ी हो गई है, जो 4.5 साल से बन रही है लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो पाई। विधायक जी ने 2 बार इसका शिलान्यास कर दिया, एक ही भवन का 2 बार शिलान्यास तो पहले तो ये सोच के परे है, लेकिन विधायक जी ने 2 बार इसका। पौड़ी पुलिस लगातार अपराध पर लगाम लगाने के साथ ही गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए काम कर रही है। ऐसा ही एक मामला थाना सतपुली क्षेत्र से सामने आया। एक बुजुर्ग महिला अपनी समस्या लेकर थाने पहुंची और थानाध्यक्ष संतोष पैथवाल को सुनाते हुए बताया कि बारिश की वजह से उसके घर की छत गिर गई है, जिसके चलते अब उसे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बुजुर्ग महिला की परेशानियों को गंभीरता से लेते हुए थानाध्यक्ष संतोष पैथवाल ने बाजार जाकर एक तिरपाल खरीदी और बुजुर्ग महिला के घर कुल्हाड़ गांव पहुंचे। फिर पुलिस टीम ने पीड़िता के घर को खुद ही सही कराया और राशन की किट भी मुहैया कराई। बुजुर्ग महिला ने पुलिस के इस कार्य से भावुक होकर उन्हें धन्यवाद भी ज्ञापित किया। बाजारों में बेवजह आवाजाही करने वाले और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया है। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 16 लोगों को पुलिस ने चालान काटा। आपको बता दें कि पुलिस नशा मुक्ति अभियान जोर शोर के साथ चला रही है। पुलिस गांव और बाजारों में लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक कर रही है। शनिवार को जिला मुख्यालय के पटियालधार में पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। संक्रमण को लेकर कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे गए। ये नशा मुक्ति जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो ये 22 तारीख से शुरू हुआ है और सभी थाना क्षेत्रों में इसका हमारे द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें हमारे द्वारा जनता के सभी लोगों को इस संबंध में जागरूक किया जा रहा है कि नशा किस प्रकार से व्यक्ति विशेष के रूप में किस प्रकार से। हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना इलाके में चेकिंग अभियान चला है पुलिसकर्मियों से। नशे में धुत युवकों ने जमकर मारपीट की। इस दौरान नशेड़ी युवकों ने पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ दी और भद्दी भद्दी गालियां दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी जगदीश चंद्र ने बताया कि चेकिंग के दौरान ऑटो और बाइक में सवार युवकों से जब पुलिसकर्मी ने पूछताछ की तो युवकों ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया और मारपीट करने लगे। सिपाही की तहरीर पर सभी के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने और मारपीट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही उनकी बाइक और टेम्पो को सीज कर दिया गया है। पकड़े गए सभी युवक गोलापार के लक्ष्मपुर गांव के रहने वाले हैं। बनभूलपुरा थाने का ये मामला है। कल रात को जब हमारे गोलापार की पिकेट पे लड़के चेकिंग कर रहे थे, उस समय एक टेम्पो में 6 नवयुवक आए थे और वो शराब पिए हुए थे। जब उनको चेकिंग के लिए उनसे उनकी आइडेंटिटी मांगी गई तो उन्होंने वहाँ पे उपस्थित जो कर्मी हैं उनके साथ अभद्रता की और हाथापाई हुई है। पुलिस के द्वारा इन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके विरुद्ध धारा 147, 48 और 332, 353। वहीं ऋषिकेश पुलिस की SOG टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने अवैध शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 23 पेटी शराब बरामद की है। मुनकीरेती थाना इलाके में लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत SOG की टीम ने मुखबिर की सूचना पर ढालवाला क्षेत्र से एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। शराब तस्कर एक वाहन से शराब की तस्करी कर रहा था। वाहन की तलाशी लेने पर 23 पेटी शराब SOG की टीम ने बरामद की। शराब तस्करी के आरोप में पुलिस ने तस्कर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। आज चंदबत टिहरी गढ़वाल पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। हमारे मुनकीरेती थाना क्षेत्र में ढालवाला क्षेत्र से एक शराब तस्कर राकेश सिंह भंडारी, जो 23 पेटी शराब और एक 4 पहिया वाहन सहित पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया।
एसओजी की टीम जिसमें विक्रम सिंह बिष्ट इस टीम के लीडर थे, उनके द्वारा ये काफी अच्छी कार्यवाही की गई है। और हम ये बताना चाहेंगे कि लगातार हम लोग ड्रग्स, चाहे चरस हो, चाहे स्मैक हो, चाहे अफीम की खेती का नष्टीकरण हो, या शराब की बड़ी खेप, जैसे कि कुछ दिनों पूर्व ही थाना घनसाली में लगभग 160 पेटी शराब हमारे द्वारा रिकवर की गई थी। इसके पूर्व भी लगभग सभी थाना क्षेत्रों में 20 से 25 पेटी की बड़ी। वहीं रुड़की में नीलम टॉकीज के पास अवैध तरीके से चल रहे भवन निर्माण को एचआरडीए विभाग ने बंद करा दिया। अवैध निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन से शिकायत की थी, जिसके बाद एचआरडीए ने कड़ी कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। अवैध निर्माण को लेकर किसान नेताओं ने भी धरना प्रदर्शन किया और कोतवाली सिविल लाइन में पुलिस को तहरीर भी दी। वहीं सपा युवा नेता राजा त्यागी ने कहा कि विधायक प्रदीप बत्रा के संरक्षण में सिविल लाइन क्षेत्र की नजूल की भूमि पर लगातार अवैध निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही नीलम टॉकीज पर भी उनके ही संरक्षण में भवन का अवैध निर्माण चल रहा था, इसी वजह से अधिकारी दबाव में थे। उन्होंने कहा कि अधिकारी किसी के दबाव में आकर काम न करें, अगर ऐसा होता है तो हर मोर्चे पर इसका विरोध किया जाएगा। एचआरडीए सहायक अभियंता धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि रुड़की क्षेत्र में जो भी व्यक्ति बिना मानचित्र के या अवैध तरीके से निर्माण करेगा उसको नोटिस दिया जाएगा और सख्त कार्यवाही की जाएगी। अवैध निर्माण के में कार्रवाई करने के लिए ही प्राधिकरण बना हुआ है। इस शहर को सुव्यवस्थित बनाने के लिए ही प्राधिकरण का उद्देश्य निर्धारित है। मानचित्र को अप्रूव करते हैं, और मानचित्र अप्रूव करने के साथ ही लोगों से अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं कि जो है मानचित्र के अनुसार कार्य करें। जो नहीं बनाते हैं तो मानचित्र, पहले तो दो कैटेगरी है, एक तो मानचित्र पास ही नहीं कराते लोग, वो तो अनाधिकृत श्रेणी में हमारे निर्माण होते हैं, उन पर हम जो उनको नोटिस इश्यू करके उनकी सुनवाई करके अगर वो निर्माण नहीं रोकते हैं, लगातार कार्य जारी रखते हैं, तो हम सीलिंग और शोकॉज की कार्रवाई करते हैं। इसी क्रम में हमने जो है जो नीलम टॉकी की बात कर रहे हैं उसी क्रम में हमने इसको सील किया है। मांग कर रहे थे कि ये अवैध निर्माण कार्य जो चल रहा है इसे रोक लगाई जाए, जिसमें हम लोगों ने रुड़की एसडीएम महोदय को, एचआरडी डिपार्टमेंट को, यहाँ तक आखिरी में पुलिस प्रशासन तक को भी सूचना दी। कई बार ऐसे हालात बने कि हमारी इस अवैध निर्माण रोकने में अपनी जान तक जोखिम में डालनी पड़ी। लास्ट में एचआरडीए की सहायता से इस पे निर्माण कार्य पर रोक लगी, क्योंकि ये निर्माण कार्य इसलिए इतने दिनों से चल रहा था, हमारे रुड़की के जो विधायक हैं, विधायक जी का इसमें सीधा सीधा रोल था और भाजपा मंडल। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र संवाद अभियान के तहत सितारगंज इकाई के कार्यकर्ताओं ने बैठक की। ये बैठक राजकीय महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के साथ वर्चुअल तरीके से की गई। बैठक में कार्यकर्ताओं द्वारा छात्र छात्राओं से उनके स्वास्थ्य का हालचाल लिया और महाविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं के बारे में जानकारी ली गई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और छात्र संघ सचिव देवेश कुमार ने बताया कि पूरे प्रदेश में एबीवीपी छात्र संवाद अभियान चलाया जा रहा है। इसके जरिए छात्र छात्राओं को होने वाली समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जाती है। छात्र संवाद अभियान 26 जून 2021 से 30 जून 2021 तक चलाया जाएगा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सितारगंज इकाई द्वारा राजकीय महाविद्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का जो हमारा उद्देश्य था वो ये था कि विद्यार्थी परिषद से आह्वान हुआ है कि पूरे प्रदेश के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रत्येक इकाइयों पर छात्र संवाद अभियान चलाएगी। तो इसी को लेकर आज हम लोगों ने भी कार्यकर्ता राजकीय महाविद्यालय सितारगंज में एकत्रित हुए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।